हेलो हमारे स्टूडेंट, कैसे आप लोग? वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी ओटी एजुकेशन डेडिकेट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्टेट लेवल एजेई का मास्टर कोर्स, यानी कि ऑल स्टेट लेवल एजेई का मास्टर कोर्स देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छा रहा था लेथ मशीन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्यूशन, जो कि प्रोडक्शन का सब्जेक्ट का पार्ट है। एंड ये हम लोग लेथ मशीन का जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन देख रहे थे, उसका पार्ट ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हम लोग सॉल्यूशन जो एमसीक्यू देख रहे थे, क्वेश्चन सॉल्यूशन का ये फोर्थ पार्ट आ जाएगा लेथ मशीन से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कितना ये नंबर का लेक्चर हो जाएगा, ये 22nd आपका हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में अभी तक जो है 21 लेक्चर आ चुका है, एमसीक्यू एंड लेक्चर दोनों को मिला के। राइट, तो हम लोग अभी देख रहे थे स्टेट लेवल एजे का मास्टर कोर्स। किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एंड आप जूनियर इंजीनियरिंग या फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए चल रहा है मास्टर कोर्स। यहाँ पे हम लोग जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर लाते हैं, मैकेनिकल का सारे सब्जेक्टों का लेक्चर लाते हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी एक्सप्लेन कराते हैं सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज। एंड फिर हम लोग लाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको कराते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर भी रहता है और मैं आपको सेट भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको बूस्टअप मिल जाता है प्रिपरेशन में। तो चलिए अभी हम लोग लगा रहे हैं लेथ मशीन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर हो जाएगा फोर्थ। और मैं आपको बता देता हूँ ये लास्ट पार्ट हो जाएगा लेथ मशीन से एमसीक्यू का, और इससे पहले आपका 3 लेक्चर आ चुका है सॉल्यूशन में। और हम लोग अगर आपको लेक्चर देखना है कि सर लेथ मशीन का लेक्चर कितना से कितना लेक्चर तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर 14th से लेकर लेक्चर 18th, ये जो आप यहाँ पे 5 लेक्चर देख रहे हो, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, ये पांचों लेक्चर जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं लेक्चर लिया हूँ, यानी थ्योरी लिया हूँ। किस पे? लेथ मशीन पे। लेथ मशीन का हर वो चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, वर्क कैसे करता है, ऑपरेशन क्या हो जाता है, एसेसरीज अटैचमेंट क्या हो जाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, सब चीज़ मैं क्लियर किया हूँ। और 18 के बाद आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू सॉल्यूशन ऑन लेथ मशीन, यानी कि 18 के बाद आप 19वां पार्ट ले लो, 20वां पार्ट ले लो, 21वां पार्ट ले लो और आज वाला 22वां पार्ट, यानी 4 गो पार्ट आएगा आपका एमसीक्यू का ऑन लेथ मशीन। राइट, तो चलिए आज का क्लास में हम लोग जो लेथ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो टॉपिक रहेगा आपका लेथ ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि लेथ ऑपरेशन, यानी कि जितने भी लेथ ऑपरेशन हो जाता है आप जो हम लोग लेथ मशीन में करते हैं, ठीक है, उस सारे से आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे पॉज करके थोड़ा टाइम आपको दूंगा कि आप लोग खुद से आंसर लगा के बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज सारा चीज़ का थ्योरी मैं बता चुका हूँ A to Z। तो आप लोग खुद पॉज कीजिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं सर ज़्यादा रुकूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द लेड स्क्रू ऑफ अ लेथ हैज डैश थ्रेड, यानी कि लेड स्क्रू, आपको पता है ना लेड स्क्रू क्या हो जाता है, जो कि कैरेज से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जो कि स्पीड यानी हेड स्ट्रोक से सबसे पहले स्पीड आ जाता है आपका लेड स्क्रू में, ठीक है, और लेड स्क्रू पर फिर जाता है कैरेज में। तो यहाँ पर रहा कि लेड स्क्रू हो जाता है लेथ का, उसमें जो थ्रेड है वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो रहा है, डबल स्टार्ट थ्रेड हो रहा है, मल्टी रहता है, फिर नॉन रहता है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर सिंगल होगा, डबल होगा, और मैं आपको बताया था कि ऐसा क्यों बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। अब क्या होता है सर सिंगल स्टार्ट थ्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्टार्ट थ्रेड, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस थ्रेड अलोंग द बॉडी, यानी कि इसमें इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस थ्रेड रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअस थ्रेड अलोंग दी बॉडी, और कैसा थ्रेड रहता है, सिंगल रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख लो, या आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही थ्रेड है, डबल थ्रेड जो होता है, जैसे आप देख लो इस तरह का गियर रहता है, कुछ गियर, जैसे मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, जैसे कुछ मान लो इस तरह का यहाँ कटा हुआ है इस तरह करके, और यहाँ पे ऐसे कुछ करके कटा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डबल गियर यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल गियर देखने को यहाँ पे मिलेगा, सिंगल गियर देखने को मिला थ्रू आउट दी बॉडी, दैट इज वाई इसको कहते हैं हम लोग सिंगल स्टार्ट, ये लेड स्क्रू और यहाँ पे फेडरड रहता है, जो कि आगे कनेक्टेड रहता है आपके कैरेज से, समझ आया कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, यहाँ पे बोला गया सेकंड क्वेश्चन नंबर, चलिए बताइए ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। अ राइट हैंड टूल ऑन अ लेथ कट मोस्ट इफिशियंटली कट व्हेन इट्स ट्रेवल, यानी कि बोल रहा कि राइट हैंड का बात कर रहा है आपका, ठीक है, ये राइट हैंड इधर आ जाता है, इधर आ जाता है आपका लेफ्ट, आपको पता है लेफ्ट में क्या हो जाता है, लेफ्ट में होता है आपका हेड स्ट्रोक और राइट में क्या हो जाता है आपका टेल स्ट्रोक। चलिए मैं फिगर ही लेथ मशीन का दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हेड स्ट्रोक है, दिस इज योर हेड स्ट्रोक और यहाँ पे मेरा टेल स्ट्रोक है, तो ये मेरा राइट साइड हो गया और ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ना, ये चीज़ समझ गए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट हैंड टूल मतलब टेल स्ट्रोक की तरफ का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, टेल स्ट्रोक की तरफ का। तो बोल रहा है कि राइट हैंड टूल ऑन द लेथ कट मोस्ट इफिशियंटली कट व्हेन, कब ये अच्छी तरह से कट कर सकता है राइट हैंड यानी टेल स्ट्रोक की तरफ से, जब
क्या ये जब फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड ऑफ द कटिंग बेड, या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड स्लाइड, या फिर अक्रॉस द बॉडी। कब बहुत अच्छी तरह से कट करेगा, जब राइट से लेकर लेफ्ट की ओर आएगा, यानी टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की ओर आएगा, मतलब इस डायरेक्शन पे जब जाएगा तब बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि अगर हमको राइट साइड से यानी कि टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की ओर आना है तो मेरा सबसे जो आपका अच्छी तरह से वो कट कर सकता है वो आपका क्या होगा, राइट से लेकर लेफ्ट की ओर रहेगा। किधर रहेगा, राइट से लेफ्ट की ओर, कि भाई जिस तरह से मेरा आ रहा है, अगर हमको टेल स्ट्रोक से जाना हेड स्ट्रोक की ओर तो हम लोग टेल स्ट्रोक हेड स्ट्रोक की ओर जाएंगे, यानी कि राइट साइड से निकलेंगे, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, यानी कि टेल स्ट्रोक टू हेड स्ट्रोक की ओर जाएंगे। सिंपल सा बात है, ऑन दी लेफ्ट बेड में ही जाएंगे, ठीक है। चलो वे लेफ्ट बेड में कहा है, वेड वे होता है ना, मैं आपको बताया था, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन को घुमा के आपको बोला गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको दे दिया हूँ, कि अ लेफ्ट हैंड टूल ऑन अ लेथ कट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन इट ट्रेवल। देखो इससे पहले गया था राइट हैंड टूल, यहाँ बोल रहा है लेफ्ट हैंड टूल से अगर कट करेंगे तो किससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्या वो लेफ्ट से राइट की ओर, या फिर राइट से लेफ्ट की ओर ऑन बेड में, या फिर विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड स्लाइड, या फिर अक्रॉस द बॉडी। तो अगर लेफ्ट से लेकर जा रहा है राइट की ओर तो लेफ्ट से ही जाएगा राइट की ओर ऑन द बेड में, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें कोई लॉजिक वाला बात नहीं था, इसका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए भी दो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थ्री का क्या हो गया आपका, ए नंबर हो गया करेक्ट आंसर, फ्रॉम दी लेफ्ट, यानी समझ रहे हो ना, लेफ्ट मतलब क्या हो जाता है आपका हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक से जा रहा है टेल स्ट्रोक की ओर ऑन दी लेथ बेड। चलो यहाँ पे पार्टिंग ऑफ बोला गया है, एक ऑपरेशन का बात मैं आपको बता चुका हूँ कि द विड्थ ऑफ द कटिंग एज ऑफ द पार्टिंग ऑफ टूल का जो है वो विड्थ हम लोग कितना देते हैं, क्या होता है पार्टिंग ऑफ, आपको ग्रूविंग पता है ना, ग्रूविंग हम लोग क्या बोलते हैं, बीच में जो हम लोग कैविटी लाते हैं पूरा सिलेंड्रिकल टाइप में, क्या करते हैं हम लोग कैविटी लाते हैं कटिंग टूल से, यहाँ चारों तरफ जो मैंने बताया था हल्का सा सरफेस को कट करते हैं, यानी कि डायमीटर घटाते हैं। अगर ये मेरा डायमीटर 10 का है, 10 मान लो मीटर का है या एमएम का है, तो इसको हम लोग 8 एमएम का कर दिए, थोड़ा सा हम लोग डायमीटर यहाँ पे घटा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूविंग बोलते हैं। अब बात समझो ग्रूविंग क्यों बोल रहे हैं, अब इसी ग्रूविंग को और कट करते जाए, कम करते जाए और बाद में इसको हम लोग दोनों को सेपरेट पार्ट बना दिए। इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या किया, इस पार्ट को पूरा का पूरा मैं अलग कर दिया, ठीक है, इस पार्ट को ही कट करके हम लोग अलग कर दिए, और उसके बाद क्या हो गया, मुझे दो सेपरेट अलग अलग वर्क पीस मिल गया, ये एक वर्क पीस मिल गया, ये अलग पीस मिल गया। तो इसको बोला जाता है मेरा पार्टिंग ऑफ करना, यानी कि पूरा कट के अलग ही कर देना ग्रूविंग करते करते, राइट। तो यहाँ पूरा ग्रूविंग करते टाइम जो हम लोग कटिंग टूल का विड्थ लेते हैं वो कितना देते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग 3 से लेकर 12 देते हैं, 1 से लेकर 2 देते हैं, 8 से लेकर 30 mm में सारा का बात करा है, या फिर 12 से लेकर 26 mm देते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। अगर किन्हीं को पता होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से लेकर 12 mm तक दिया जाता है, 3 से लेकर 12 mm तक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th का बात कर रहा है, राउंड नोज, आपको पता है कटिंग टूल यूज़ करते हैं उसमें मेरा अलग अलग तरह का एंगल होता है, साइड रेक एंगल, बेक रेक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर राउंड नोज टूल का यूज़ करेंगे तो हैज़ नो बेक रेक और साइड एंगल, क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे राउंड नोज का बात कर रहा है ना, तो राउंड नोज में ऑब्वियसली है, अगर राउंड रहेगा तो कहाँ से एंगल आएगा, कोई एंगल निकलेगा ही, एंगल होने के लिए तो भाई इस तरह का सर्फेस चाहिए ना, तब ना मैं यहाँ निकालूंगा। अगर इसको हम लोग राउंड नोज कर देंगे तो यहाँ से कोई चीज़, जैसे कि मान लो ये मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में अगर राउंड नोज रहता है तो इसमें ना तो मुझे आपको साइड रेक एंगल देखने को मिलता है, नो साइड रेक एंगल, ठीक है, रेक एंगल, और ना ही मुझे देखने को मिलता है बेक रेक एंगल, नो बेक रेक एंगल, समझ आया कि नहीं, चलो इन राउंड कटिंग टूल, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6th का बात करते हैं, बोला गया यहाँ पे अ राउंड नोज, यस राउंड नोज का सेकंड क्वेश्चन है, अ राउंड नोज टूल मे फिड डैश ऑफ द लेथ बेड, यानी कि हम लोग राउंड नोज टूल को फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, आइदर लेफ्ट फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इन करेंगे, कैसे करेंगे, या फिर डी नंबर में यहाँ पर नहीं, हम सी तक ही रखा हूँ, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कटिंग टूल है ना, तो कटिंग टूल अगर है, आपको पता है ये मेरा कटिंग टूल है, और कटिंग टूल लगाते कहाँ पे भाई, हम लोग सर कैरीज में लगाते हैं, ठीक है सर। अब कैरीज जो है वो आपको पता है, और जो आपका कैरीज है यहाँ से देख लो, ये मेरा कैरीज है,
ठीक है, ये मेरा क्या है आपका पार्ट कैरिज है। तो कैरिज जो है वो हेड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की तरफ जाता है, यहाँ हेड स्ट्रोक है या टेल स्ट्रोक है, तो दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी कि भाई ये मेरा राइट भी मूव कर सकता है लेफ्ट भी मूव कर सकता है। इट मीन्स आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि सर अगर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अगर उसमें हम लोग कटिंग टूल लगा देंगे उसी कैरिज में, तो ऑब्वियसली बात है हम भी जो कटिंग टूल का है उसको लेफ्ट टू राइट भी ले जाएंगे और राइट से लेफ्ट भी जाएंगे, चाहे वो मेरा राउंड टूल नोज हो या फिर मेरा एंगल वाला रहे। तो यह जगह आइदर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और या मेरा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड की ओर हम लोग उसको मूवमेंट या फिर फिट कर सकते हैं ऑन दी लेथ बेड, राइट। तो इसका हो जाएगा सी जी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। इन अचीव, इसको मैं पिछला वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक सर्फेस फिनिश, अगर हमको सर्फेस फिनिश चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से या फिर टर्निंग करके, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है जो कि हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछा था क्या है वो, फीड होता है या कटिंग स्पीड होता है या डेप्थ ऑफ कट होता है फिर रैक एंगल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड। हम लोग जो स्पीड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सर्फेस फिनिश हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल को हम लोग को रिमूव नहीं करना है कि कटिंग स्पीड हम लोग को बहुत ज़्यादा रखे, बहुत ही स्लो रखना, कम रखना है, ठीक है। भले स्पीड अप कर सकते हो इन केस ऑफ जब हम लोग मटेरियल को रिमूव करना है, लेकिन जब आपको सरफेस फिनिश करना चाह रहे हैं तब आपको कैसा चाहिए, कटिंग स्पीड को लो रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताया गया दो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे जो आपका क्वेश्चन मिलेगा। 8 नंबर 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला गया 8 नंबर में द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए, डक्टाइल मटेरियल, इस टाइप ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे आपको कन्फर्म एक नॉलेज मिल जाएगा स्पीड कितना ज़्यादा कम देंगे। बोला गया माइल्ड स्टील एंड देन बोला गया है एंड ब्रास, ब्रास भी आपका माइल्ड स्टील मतलब आई मीन डक्टाइल मटेरियल ही है, ठीक है, विथ अ हाई कटिंग स्टील टूल, अगर हाई कटिंग स्टील टूल से हम लोग डक्टाइल मटेरियल को काट रहे हैं जिसमें आपका माइल्ड स्टील लिख दिया गया है और दूसरा एक बात किया है आपका ब्रास का बात किया गया है, तो उस केस में हम लोग कितना स्पीड देंगे, एवरेज कटिंग स्पीड कितना देंगे। देखो माइल्ड स्टील काफ़ी इंपॉर्टेंट, दो का बहुत ज़्यादा पूछता है, एक तो आपको पूछेगा कास्ट आयरन का और दूसरा आपको बोलेगा माइल्ड स्टील का, क्योंकि यही दोनों फेमस है इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आपको देखिएगा कभी भी अगर आपको बोलेगा कि भाई डक्टाइल मटेरियल बोलो तो फट से हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील, डक्टाइल मटेरियल में माइल्ड स्टील, अगर बोलेगा ब्रिटल मटेरियल तो फट से हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो यही दोनों बोला गया है कि इन केस में एवरेज कटिंग स्पीड कितना लेंगे। तो मैं आपको करेक्ट आंसर फट से बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये चीज नहीं होगा, ये चीज आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, सबसे पहले माइल्ड स्टील का, ठीक है, तो अगर माइल्ड स्टील का बात करेंगे तो ये 25 तक देता है, 25 से लेकर 30 के बीच में, यानी कि ये होगा करेक्ट आंसर 25 से 30, और 25 से 30 ये भी हो सकता है, ये तो हो सकता है। अगर बात करेंगे हम लोग ब्रास का, तो ब्रास देता है मेरा लगभग वेरी करता 60 टू 90 के अप्रॉक्स, ठीक है, यानी कि उसमें देखो मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा सॉफ्ट उतना ज़्यादा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस केस में अगर ब्रास का बात करेंगे और माइल्ड स्टील का, तो इस केस में जो ब्रास है वो मेरा ज़्यादा सॉफ्ट है, मोर सॉफ्ट है देन माइल्ड स्टील, ये मेरा ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मेरा मोर सॉफ्ट है ब्रास। तो सॉफ्ट में के केस में यानी कि ब्रास के केस में मैंने डक्टाइल ज़्यादा है, इस केस में हम लोग ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं, तो इस केस में हम लोग 60 से 90 तक चल जाते हैं। तो 60 से 90 मेरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 60 से 90 और यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 25 से लेकर 30 ये मेरा है किसका, ये हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील का, ठीक है, एक सेकंड, ये हो जाएगा माइल्ड स्टील का, और 60 टू 90 जो है ये दिस वन इज फॉर माई ब्रास एवरेज कटिंग स्पीड ड्यूरिंग टर्निंग इन लेथ मशीन। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर में ये आपसे पूछा गया है द कटिंग स्पीड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वाइल मशीनिंग डैश विद दी हाई कटिंग स्पीड। एच एस एस मीन्स यहाँ पे बात कर रहा है हाई, एस फोर हो जाएगा स्पीड और हाई स्पीड स्टील और टूल तो है ही, तो यहाँ पे बात किया है हाई स्पीड स्टील टूल के केस में जो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम कटिंग स्पीड कितना लेते हैं, ठीक है, और किसके केस में लेते हैं वो आपसे पूछा गया है। क्या हम लोग लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम किसके लिए लेंगे, क्या वो कास्ट आयरन के लिए लेंगे या फिर मिनिमम किसके लिए लेंगे। तो आप समझो पहले, जस्ट मैंने कहा था कि कटिंग स्पीड सर अगर हम लोग स्पीड को स्पीड कब बढ़ाएंगे सर, जब मेरा सॉफ्ट मटेरियल रहेगा यानी कि डक्टाइल मटेरियल रहेगा तब हम लोग बढ़ाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे डक्टाइल कौन कौन सा, भले मैक्सिमम बोला फिर मिनिमम बोला, और मैक्सिमम किसके लिए लेंगे, मैक्सिमम तो हम लोग डक्टाइल के लिए लेंगे। अगर स्पीड को हम लोग का ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा होने के लिए सॉफ्ट चाहिए, और सॉफ्ट माने कि मिनिमम, मिनिमम स्पीड या फिर मिनिमम बोल लो तो सॉफ्ट। अब हम लोग सॉफ्ट ढूंढते हैं क्या क्या यहाँ पे सॉफ्ट दिया गया है। तो पहले यहाँ पे सॉफ्ट दिया गया ब्रास हो सकता है पहला नंबर में,
और दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम यानी कि ब्रास और एल्युमिनियम। वाई सर क्यों दोनों को चूज किए? बिकॉज ब्रास भी जो है वो मेरा डक्टाइल है और मेरा एल्युमिनियम भी डक्टाइल है, तो इस डक्टाइल के केस में मेरा जो स्पीड है वो हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं, ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, इसलिए दोनों को पिकअप किए। फिर बात किया कटिंग स्पीड मिनिमम, मिनिमम किस केस में हो जाता है? अगर वो मेरा हार्ड रहेगा तो हार्ड यहाँ पे आपको पता है माइल्ड, इसलिए मैंने जस्ट कहा ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल मतलब कास्ट आयरन, तो यहाँ पे आप कास्ट आयरन देख रहे हो, यहाँ पे कास्ट आयरन है और यहाँ भी कास्ट आयरन। अब देखो यहाँ पे आ जाता है मेन पॉइंट कि सर यहाँ पे ब्रास और कास्ट आयरन, ब्रास जो है वो मेरा डक्टाइल है, ये मेरा है ब्रिटल मटेरियल, ये भी मेरा डक्टाइल है, ये भी मेरा ब्रिटल है। अब सर दोनों मेरा केस सही है, अब बी होगा डी होगा। अब आपको ये देख करना है कि ब्रास मेरा ज़्यादा डक्टाइल है या फिर एल्युमिनियम ज़्यादा डक्टाइल है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट में ध्यान रखना है, तभी जाके इस क्वेश्चन को पकड़ पाएगा, अदरवाइज यू कांट डू दिस क्वेश्चन या फिर कांट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एल्युमिनियम आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम इज मोर सॉफ्ट देन ब्रास, एल्युमिनियम जो होता है काफ़ी सॉफ्टर होता है, काफ़ी डक्टाइल होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम एंड कास्ट आयरन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ आए कि नहीं? समझ गए क्यों हम पिकअप किए, किस तरीका से आपको क्वेश्चन को पिकअप करना है, तो ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं, टेंथ में एक न्यूमेरिकल मैं आपसे दिया हूँ कि इसमें से क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है लेथ मशीन से, बट अगर ये चीज़ आएगा तो आप लोग दे लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया मैं आपको बताऊंगा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड, हमको स्क्रू थ्रेड कट करना है, ठीक है, कितना एम एम का? 2 mm पिच का ऑन ए लेथ मशीन, ठीक है। द लेड स्क्रू हैज ए पिच ऑफ 6, यानी कि लेड स्क्रू में हम लोग पिच 6 कर ले, मैंने बताया था ना कि लेड स्क्रू में हाफ नट को सीट करके हम लोग क्या करते हैं, टीपीआई मतलब थ्रेड पर इंच, टीपीआई बोलेंगे, टीपीसी नहीं, टीपीआई यानी कि थ्रेड पर इंच, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे 12 टीपीआई का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो कट करेगा यानी कि थ्रेड, अगर जो मेरा थ्रेड है, थ्रेड मेरा 12 mm का कट करेगा, तब जाके मेरा जो लेड स्क्रू है वो मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं लेड स्क्रू, तब मेरा 1 inch मूव करेगा। और ये कैसे करते हैं? ये हम लोग करते हैं हाफ नट को लगा के, जैसे हाफ नट लग कर देता है तब हम लोग मतलब वहाँ पे कॉन्फिगर करते हैं, सेटिंग करते हैं, जैसे सेटिंग होता है ना कि भाई 2 घंटा के बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा सेट करते हैं, फिर कंप्यूटर ऑफ होना चाहिए या, ठीक है, तो वही उसमें हम लोग हाफ नट को लॉक कर देते हैं, उसमें क्या हो जाता है मेरा मूवमेंट नहीं होता केरीज का। किस तरह का केरीज मूवमेंट करेगा? जब मेरा 12 थ्रेड कट करेगा तभी जाकर मेरा लेड स्क्रू जो होगा वो 1 inch मूवमेंट देगा, तो उसी को हम लोग करते हैं स्क्रू थ्रेड में यूज़ कराया जाता है हाफ नट का। तो वहीं बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा 12 पिच कट किया और मेरा लेड स्क्रू 6 mm तक का गया, तो बोल रहा है इफ़ दी स्पिंडल स्पीड इज 60 rpm देन द स्पीड ऑफ द लेड स्क्रू विल बी, तो यहाँ पे बोल रहा है इसका स्पीड कितना होगा, लेड स्क्रू का स्पीड पूछा गया, स्पिंडल स्पीड दिया गया है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला चाहे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा जाता है फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है आपका स्पीड ऑफ लेड स्क्रू, ठीक है, यहाँ लेते हैं लेड स्क्रू का स्पीड लेते हैं, स्क्रू डिवाइड हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ स्पिंडल, स्पीड ऑफ स्पिंडल, ये आप कैसे याद रखेंगे, नीचे में स्पिंडल रहेगा ऊपर में लेड स्क्रू रहेगा। आपको पता है जब हम लोग लॉस प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह कोई पढ़ाते हैं तो नीचे में रहता मेरा बेस वैल्यू, जैसे बोलते हैं ना कि आउट ऑफ 100 में आपका 80 नंबर आया एग्जाम में, यानी कि नीचे में 100 क्यों ली, क्योंकि ये मेरा बेस वैल्यू होता है। इसी से हम लोग चेक करते हैं कि आउट ऑफ 100 मतलब नीचे में बेस वैल्यू में कितना आया, तो आपको पता है कि कौन ज़्यादा स्पीड घूमेगा, स्पिंडल ज़्यादा स्पीड देगा या फिर आपका लेड स्क्रू ज़्यादा स्पीड देगा, तो ऑब्वियसली बात है स्पिंडल से कनेक्ट रहा तो मेरा चक यानी कि स्पिंडल ज़्यादा देगा, इसलिए स्पिंडल मेरा नीचे आ जाएगा और लेड स्क्रू मेरा ऊपर आ जाएगा, ये तो हो गया याद। इसके बाद इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड का पिच लेते हैं और डिवाइड बाय हम लोग लेते हैं पिच ऑफ थ्रेड, दोनों हम लोग पिच ऑफ थ्रेड ले ले, ऊपर में करते हैं हम लोग क्या लेते हैं पिच ऑफ थ्रेड टू कट वर्कपीस, वर्कपीस को कट करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग क्या लिए यहाँ पे टू कट वर्कपीस, और नीचे में जो हम लोग थ्रेड लिखते हैं पिच ऑफ थ्रेड तो लेते हैं ऑन लेड स्क्रू, यहाँ हम लोग लेते हैं लेड स्क्रू का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नीचे हम लोग लेड स्क्रू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से हम कर देते हैं, स्क्रू हो जाएगा, लेड स्क्रू का हम लोग लेते हैं क्या पीछे लेते हैं, ठीक है, याद रखना ऊपर में लेड था यहाँ लेड आ गया और यहाँ स्पिंडल था तो वो स्पिंडल मेरा वर्क पीस से कनेक्ट रहता है, आपको पता है ना, यहाँ मेरा हेड स्टॉक है, फिर यहाँ पे रहता है मेरा स्पिंडल, फिर यहाँ रहता है मेरा
आपका इस थ्री जो चक और फिर यहाँ रहता है वर्क पीस। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरा हेड स्टॉक है, फिर यहाँ रहता है मेरा स्पिंडल, फिर रहता है चक, फिर रहता है मेरा जॉब या फिर वर्क पीस। ठीक है, वर्क पीस तो यहाँ से कनेक्टेड मेरा क्या है, देखो लेड स्क्रू, लेड स्क्रू और एकदम क्रॉस याद रखना, लेड स्क्रू नीचे आ गया और स्पिंडल, स्पिंडल से मेरा कट क्या करेगा, वर्क पीस को करेगा, तो ऊपर आ गई ये चीज़। ठीक है, दोनों तरफ पीच थ्रेड लेते हैं, बस ये चीज़ है। इसके बाद आपको वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दिया गया आपका स्क्रू लेड अप स्क्रू थ्रेड निकालना, ये वाला चीज़ निकालना, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ लेड स्क्रू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्पिंडल, यहाँ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल इंटू पीच ऑफ क्या वॉक पीस का। ठीक है, पीच थ्रेड ऑफ वॉक पीस डिवाइड बाय आ जाएगा क्या, पीच थ्रेड ऑफ लेड स्क्रू, लेड स्क्रू। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं, स्पीड ऑफ स्पिंडल कितना आ गया है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्पिंडल यहाँ पे दिया 60, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 60 इंटू, अगर बात करेंगे पीच ऑफ थ्रेड का बात या वॉक पीस बाय थ्रेड, तो वॉक पीस पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखोगे वॉक पीस पे दिया गया 2 mm का। ठीक है, 2 mm का हमको वॉक पीस में काट रहे हैं, तो यहाँ पुट करेंगे 2, और थ्रेड लेड स्क्रू में कितना दिया गया है, तो लेड स्क्रू में मेरा पीच दिया गया 6 का, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे, 6 से 10 कटेगा और 10 × 2 हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 rpm स्पीड मेरा निकल जाएगा, किसका, आपका लेड स्क्रू था, ये निकल गया मेरा स्पीड ऑफ लेड स्क्रू। समझ आया, चलो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20 rpm, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला आप लोग फॉर्मूला जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलो एंड क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आपको कमेंट करना है आंसर में, आंसर जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, इन द डिजायर, मैं पढ़ देता हूँ, इट इज़ डिजायर टू परफॉर्म ए ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, अगर हमको लेथ मशीन में ड्रिलिंग करना है या रिविंग करना है या काउंटर बोर्डिंग करना, कुछ भी करना है। ठीक है, ऑन ETC करना है ऑन द वर्क पीस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी यूज, यानी कि अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, काउंटर बोरिंग करना है, तो उस टाइम पे हम लोग किस मशीन का ज़्यादातर यूज़ करेंगे, मतलब किस मशीन को सिलेक्ट करेंगे, क्या हम लोग ऑब्वियसली बात है ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। वैसे मैं इसका क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम ड्रिलिंग पढ़ा ही नहीं है, बस हम लेथ मशीन का ऑपरेशन में ड्रिलिंग बता दिए कि होता क्या है, बट ड्रिलिंग बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ड्रिलिंग का लेक्चर आएगा, एक दो लेक्चर आएगा, फिर क्वेश्चन लाएंगे स्पेशल उसका हम लेंगे। ठीक है, बट मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ नॉलेज है या नहीं। ठीक है, वो भी मैं टेस्ट लेना पड़ेगा ना आप लोग का, उस बेसिस में आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को बताइए इसमें क्या हम लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन यूज़ करेंगे या रेडियल या फिर गैंग ड्रिलिंग मशीन या फिर मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। आप लोग अगर कमेंट कोई भी करेंगे तो प्लीज़ सिर्फ मैं आंसर नहीं चाहता, उसके पीछे रीजन भी चाहिए। रीजन से ये पता चलता है लड़का कि भाई वो कुछ जानता तभी जाके बोल रहा, अदरवाइज खुद एक बोल रहा है। और देख लो यहाँ पे बोरिंग, आपको पता है बोरिंग क्या हो जाता है, जब कोई भी ड्रिलिंग करते उसका बाद उसको बड़ा हॉल करने में हम लोग ड्रिल करते हैं, और कंट्री बोरिंग क्या हो जाता है, जब हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप से बोर करते उसके बाद फिर से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनली भी बोरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है जो कि यहाँ पे बताया गया, ड्रिलिंग आपको पता है ये मैं बता दिया, और काउंटर बोरिंग भी बता दिया, ड्रिलिंग आपको पता है नॉर्मली, और रिमिंग भी हम लोग करते हैं हॉल करने में की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड पेड कोर्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, आरके ने आर एस खुर्मी के लिए, बाय बाय। अगर आप कोई भी AJEE का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ दो कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा बायलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारे चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।